पैरेलल लाइफ मतलब समांतर जीवन। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल लाइफ क्या है और साथ में कुछ ऐसे लोगों के जीवन पर नज़र डालेंगे जिनकी लाइफ पैरेलल थी। पैरेलल लाइफ कैसे होती है उसका भी उदाहरण देखेंगे और आप इसे खुद से आजमा सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पैरेलल लाइफ क्या है, किसे कहते हैं पैरेलल लाइफ। तो पैरेलल लाइफ का मतलब होता है समांतर जीवन, यानी कि अगर किसी दो मनुष्य की जीवन की घटनाएं एक जैसी हो तो उसे हम पैरेलल लाइफ कहते हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिनकी लाइफ पैरेलल थी। उदाहरण के तौर पर हम अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी को लेते हैं। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी ये दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, पर इन दोनों की लाइफ में क्या सेम था ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जॉन एफ कैनेडी ठीक उसके 100 साल बाद यानी कि 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के पहले 1846 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के लिए चुने गए और जॉन एफ कैनेडी 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के लिए चुने गए। यहाँ भी इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ 100 साल का है। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी और वो नेचुरल डेथ से नहीं मरे थे, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन था वो था कि इनके सर में गोली मारी गई थी। लेकिन अब सबसे खास बात, इसे आप ध्यान से सुनिए। अब्राहम लिंकन के मर्डर को कोर्ट में जाने से पहले ही गोली मार दी गई थी और जॉन एफ कैनेडी के मर्डर को भी कोर्ट में जाने से पहले ही गोली मार दी गई थी। ये दोनों भले ही साथ साथ नहीं जिए, लेकिन इन दोनों की लाइफ लगभग पैरेलल थी, दोनों की लाइफ लगभग सेम थी। ये दोनों बहुत ही फेमस लोग थे, इसीलिए हम पैरेलल लाइफ की थ्योरी से इन्हें जोड़ते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैरेलल लाइफ को जी चुके हैं या फिर जी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अब्राहम लिंकन ही जॉन एफ कैनेडी बनकर 100 साल बाद पैदा हुए थे, इतनी इन दोनों की लाइफ में समानता है। अब बात है कि पैरेलल लाइफ होती कैसी है, दो लोगों की लाइफ बिल्कुल सेम कैसे हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स कुछ इसे इस तरह से समझाते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में कुछ माचिस की तिलियां ले लीजिए और उसे ऊपर से गिरा दीजिए। अब जो नीचे तिलियां गिरी हुई है, अब इन तिलियों में से आप दो या तीन ऐसी तिलियां देखेंगे जिनका सर एक ही दिशा में होगा और वो एक ही तरह से गिरे होंगे। आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको हर बार दो से तीन तिलियां ऐसी मिलेंगी जिनका सर एक ही दिशा में होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन सभी तिलियों को आप इंसानों का जन्म मान लीजिए। अब इन तिलियों में जो समान होगा, मतलब जिनका सिर एक दिशा में होगा, उसकी लाइफ पैरेलल होगी। आप इसे खुद से भी आजमा सकते हैं, आपको हर बार दो से तीन ऐसी तिलियां मिलेंगी जिनका सिर भी एक ही दिशा में होगा और सेम पोजीशन पर गिरा होगा, भले ही वो थोड़ी दूरी पर हो। तो बस यार, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो को मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।